ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए दोस्तों आपको अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। वो नेटवर्क यदि आपको नेटवर्क में मुश्किल से आपको 6 ऐसे लीडर चाहिए, एक लीडर जो आपकी तरह हो, जिनके अंदर जज्बात हो, जो विनर हो, एटीट्यूड का हो, वो यदि इस काम में आपके साथ, आपको इस काम में, इस बिजनेस में, नेटवर्क में 6 लीडर मिल जाते हैं, तो आने वाले 6 महीने से लेके 2 साल के अंदर या 5 साल के अंदर आपकी इनकम की और आप इस काम को अपने पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, जॉब को करते हैं, अपने शॉप को करते हैं, अपने प्रोफेशन के साथ साथ आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीजें, अब आप सवाल है ये विस्टिक कंपनी क्या है, विस्टिक कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं। ये 2004 से चले आज करीब करीब 16 साल हो गई है दोस्तों, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी लाइसेंसेस रजिस्ट्रेशन है वो सारे ले रखे और 100% लीगल कंपनी, लीगल बिजनेस है दोस्तों, और गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट। तो ये लीगल कंपनी हो के अपना बिजनेस बिल्ड कर हम कर सकते हैं। तो आज इसका खुद का 75 एकड़ में हिमाचल प्रदेश बद्दी में इसका इंडस्ट्रियल कारखाना है दोस्तों, और ये अपना 8 कंट्री में इसका बिजनेस चल रहा है। आज आपका बिजनेस यहाँ बैठे बैठे आप 8 कंट्री में कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है जो आपको एजुकेशन में थोड़ा सा होता है और आपको पर्सनल यूज में जो प्रोडक्ट लगते हैं। यहाँ प्रोडक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को प्रोडक्ट यूज करना सिखाना है दोस्तों। तो एक सिंपल बिजनेस है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, और यदि आपके पास ऐसे कोई ड्रीम है, कोई वजह है, तो आपको केवल एक ही चीज की जरूरत होती है, वो होता है डिसीजन दोस्तों। यदि आप यहाँ एक डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम है, और उस एजुकेशन सिस्टम का नाम है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। ये विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में जहां जहां वेस्टिज का बिजनेस जग गया है दोस्तों, वहां वहां गया। आज भारत के अलावा 9 देशों में वेस्टिज का बिजनेस चल रहा है, उन 9 देशों में भी हमारा विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है। इस तरह से हमारे जो 13 साल का एक एक्सपीरियंस होल्डर है और बहुत ही सक्सेसफुल लोग है, वो आपको सब हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपका बिजनेस को ग्रो करने में दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल एक आपका डिसीजन है, और यहाँ एक टीम है जो विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है वो आपको पूरा हेल्प करता है। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये बिजनेस कैसे होगा दोस्तों, केवल आपको एक चीज की जरूरत है कि आपको बिजनेस क्यों करना है, और आप कमिटमेंट के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, केवल 2 से 5 साल के साथ कमिटमेंट, मेरे शब्दों को ध्यान रखना, कमिटमेंट के साथ 2 से 5 साल सीखते हुए करोगे, आपकी इनकम 1 से 5 लाख रुपए महीना की हो सकती है। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण है दोस्तों जो 3-3 महीने में, 4-4 महीने में भी 1-1 लाख रुपए महीने की इनकम पे गए, पर एक सामान्य तौर पर जनरल व्यक्ति भी, साधारण से साधारण व्यक्ति भी, और यहाँ पे गरीब से गरीब मजदूर 1-1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, पान बेचने तो ये बहुत ही आपके सपने पूरे हो सकते हैं, और करूंगा दोस्तों समाप्त होगा। और छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि एक बार गर्मी के दिन थे, गर्मी के दिन में एक झाड़ी के नीचे अंदर एक खरगोश छुपा हुआ था, और खरगोश उधर से एक बड़ा शानदार कुत्ता, बड़ा कुत्ता आ रहा था, तो खरगोश ने जैसे ही उस कुत्ते को देखा कि अभी हमको खा जाएगा, तो खरगोश उस झाड़ी से निकला और भागने लगा। जैसे ही खरगोश झाड़ी से बाहर निकला तो कुत्ते की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पीछे दौड़ पड़ा दोस्तों। अब ये क्या हुआ कि गर्मी के दिन थे और वो दोनों दौड़ रहे थे, आगे आगे खरगोश दौड़ रहा था, पीछे पीछे कुत्ता दौड़ रहा था, और 5 से 10 मिनट तक उनकी तेज रेस चली, बहुत दौड़ते रहे, और अचानक एक बिल आया और बिल के अंदर वो खरगोश घुस गया दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे ही खरगोश घुसा तो वो कुत्ता अफसोस करने लगा कि मैं इतना बलिष्ठ होके, इसके दौड़ने में बहुत ताकत होते हुए भी मैं इसको क्यों नहीं पकड़ सका। तो दोस्तों जब उस कुत्ते ने सोचा कि मैं इससे, खरगोश से इसका राज पूछूं कि मैं उसको क्यों नहीं पकड़ सका, तो उसने, कुत्ते ने आवाज दी, खरगोश भाई, खरगोश भाई, आप मुझे बताइए कि मैं आपको क्यों नहीं पकड़ सका। तो कुत्ते ने, खरगोश ने कहा कि आप मुझे खा जाएंगे, कि मैं नहीं खाऊंगा, आप मुझे बता दो। तो खरगोश ने बताया कि देखो खरगोश भाई, आप जो दौड़ रहे थे वो आप अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे, और मैं जो दौड़ रहा था मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। तो दोस्तों ये बिजनेस भी आपकी जिंदगी बनाने के लिए, मैं ये मानता हूं कि हर आदमी के घर में
हर एक के पास घर है, हर एक के पास दाल रोटी है, हर एक के पास कपड़े, जिंदगी आपकी चल रही है, ऐसा नहीं है। तो फिर भी यदि आप अपने बेहतर जीवन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इससे अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है। एक इसी कहानी को थोड़ा सा एक्सपांड कर दूं। उस कुत्ते ने उस खरगोश को बिल के अंदर देखा था, उसने कहा कि अब क्या करें। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और चिल्ला चिल्ला के अपने समाज के कुत्तों को उसने बुलाया, और बुला बुला के सब कुत्ते उसके पास आए और उन्होंने 10-12 कुत्ते आ गए। उन्होंने पूछा कि भाई हमको तुमने क्यों बुलाया। तो उस कुत्ते ने कहा, देखो इस बिल के अंदर हमारा लंच है और हम इस लंच को निकाल लेंगे, हम लोग भरपेट बहुत शानदार लंच करेंगे। तो उन सब कुत्तों ने भी सोचा कि ठीक है चलो हम लोग गिर जाते हैं। दोस्तों वो सारे कुत्ते उस बिल को खोदने लगे, सब खोदने लगे। आधा पौन घंटा हो गया और पसीना पसीना हो गया, गर्मी के दिन थे, परेशान होने लगे। एक एक करके कुत्ता कह चलो यार खरगोश तो मिल ही नहीं रहा, अपन पानी पीने चले गए, कोई खाना खाने चला गया और कोई आराम करने चला गया, थक रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। एक एक करके सारे कुत्ते चले गए, लास्ट में केवल एक कुत्ता बचा था दोस्तों। और वो कुत्ता कौन था? वो कुत्ता वह था जिसने खरगोश को बिल के अंदर जाते हुए देख लिया। दोस्तों इसी तरह से आपने भी ये बिजनेस का प्लान आज देखा है, जिस व्यक्ति ने भी इसका बड़ा बिजनेस का वो देखा है, वो कभी भी इस बिजनेस को नहीं छोड़ेगा, चाहे उसकी जान चल जाए दोस्तों, और वो इस बिजनेस में सफल होता है। यहाँ 100% सफलता मिलती है, सिर्फ आपके अंदर एक कमिटमेंट चाहिए, एक डिटरमिनेशन चाहिए। और बस थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर, मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि मैं इनको कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ जो मैं खुद यूज कर रही हूँ अपने घर पे, और सारे प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ। तो जैसे देखिए ये पाउडर है, ये वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर है जो हम अपने बच्चों को और सभी को अपने घर पे हम रिकमेंड कर रहे हैं। साथ में ये नोनी है, इसको खाने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इसका भी मैं आपको वीडियो दे दूंगी कि प्रोडक्ट डेमो कैसे है, यानी कि कैसे फायदे करते हैं। और ये सीवक थोर्न है जो अभी कोरोना के टाइम पे अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमें कोरोना जैसी बीमारी से डरने की भी जरूरत नहीं होती, और हमारे शरीर में बहुत अच्छी इम्यूनिटी हो जाती है। और जिसको कोरोना हो गया है इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि 2-3 दिन में वो सही हो जाता है। तो ये देखिए ये सारे प्रोडक्ट मैं अपने घर पे यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये सब खाली हो चुके हैं। ये नीम है, ये मैंने कई लोगों को रिकमेंड किया, और नीम के बहुत ही अच्छे गुण हैं। अगर आपके स्किन में फुंसी हो रही है या कोई खुजली या कुछ भी ऐसा है, खून में खराबी होती है, वो ठीक हो जाता है। ये आंवला, इससे यानी कि हमारे बाल वाल झड़ने रहते हैं वो भी, और हमें बहुत अच्छे से भी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। वेस्लिम कैप्सूल मैं यूज कर रही हूँ, अगर आपका वेट ज्यादा हो रहा है उसको मैनेज करता है ये। और स्पायरोलिना, ये एक शैवाल है जो कि समुद्र में पाया जाता है, और इसको खाने से हमें कम से कम 2 किलो सब्जी अगर हम खाते हैं उसकी जगह अगर हम ये 2 कैप्सूल सुबह और शाम भी अगर इसका यूज करते हैं तो हमें 2 किलो के सब्जी बराबर इससे प्रोटीन मिलता है। और अब घर में यूज होने वाले जैसे कि ये बर्तन धोने का है, आप अगर ये बर्तन धोने वाला यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि जब हम बर्तन धोते हैं तो कभी कभार हमारे बर्तन में ये लगा रह जाता है, इसका ठीक से धुलता नहीं है, तो जब हम खाना खाते हो हमारे पेट के अंदर चला जाता है और उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये हमें एक दिन में नहीं पता चलता, और जब इसका नुकसान होता है तो हमारा शरीर यानी बीमार होना शुरू हो जाता है और हमें बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन हमें पता नहीं कि हमें किस वजह से ये हो रहा है। बर्तन धोने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्तन के माध्यम से ही हमारे पेट में खाने के जरिए ही नुकसानदायक चीजें हमारे शरीर में जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें इनका क्यों, यानी कि इनका साइड इफेक्ट क्यों हो रहा है, रोग क्यों हो रहे हैं, हम नहीं पता कर पाते। लेकिन जब हम ये यूज करेंगे तो काफी हद तक हमें इससे फायदा होगा। और ये देखिए, ये अल्ट्रा वॉश है, कपड़े धोने का है। इससे क्या होता है कि अगर हम बाहर के डिटर्जेंट यूज करते पहले तो उनमें केमिकल होता है और इससे कपड़ों का नुकसान हो जाता है, कपड़े जल्दी पुराने हो जाते हैं और उनके रेशे यानी कि कमजोर हो जाते हैं। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इससे आपके हाथ भी सुरक्षित रहेंगे और आपके कपड़े बिल्कुल नए जैसे रहेंगे। ये मेरे कई डिब्बे खत्म हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आपको वॉशिंग मशीन जैसा धुलाई होगा, हाथ से आप वॉशिंग मशीन जैसे धुलाई कर सकते हैं, इसका वीडियो मैं आपको दे दूंगी। अब देखिए ये सारे प्रोडक्ट, ये शैम्पू है जो कि मेरे बाल बहुत झड़ते थे, बहुत ही ज्यादा झड़ते थे। तो मैं जब वेस्टीज में आई तो मैंने अपनी समस्या बताई कि मेरे बाल झड़ते हैं, तो मैंने शैम्पू और एक हेयर ऑयल है ये,
ये हेयर ऑयल लगाते ही हमें एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलता है। अभी आप देखिए ये पेस्ट है जो कि आपको पेस्ट मार्केट में 100-150 रुपए के जो पेस्ट मिलते हैं, 200 तक के पेस्ट मिलते हैं, उनके मुकाबले ये 65 रुपए का पेस्ट है, जिसको आपको कोई भी आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर इस पेस्ट को आप करते हैं, ये मैं जितने प्रोडक्ट बता रही हूँ ये सब मैंने यूज किए, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ये सारे प्रोडक्ट यानी 100% प्रोडक्ट में पेस्ट की यूज कर रही हूँ और इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये पेस्ट आप जब शुरू करोगे तो आप कोई भी पेस्ट यूज नहीं करोगे। मेरी भी आदत थी, पेस्ट की जगह मैं सूर्या मंजन हमेशा यूज किया करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे पायरिया या कोई भी दांतों में सफेदी नहीं है, इसके लिए मैं सूर्या मंजन का हमेशा यानी मेरा फेवरेट था। लेकिन जब से मैंने इस पेस्ट को यूज करना शुरू किया, मुझे सूर्या मंजन की आवश्यकता खत्म हो गई। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक बार इस पेस्ट को यूज करते हो तो आपको इसके रिजल्ट सामने आएंगे। फिर आपको और चीजें मैं दिखाती हूँ। ये लाइट एंटी एजिंग क्रीम है, जिससे कि आपके चेहरे पे अगर कोई भी दाग धब्बे या कुछ भी है, जैसे हम फेयर एंड लवली यूज करते हैं या बोरोप्लस यूज करते हैं, उसकी जगह अगर हम ये अपने चेहरे पे यूज करते हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे चेहरे पे थोड़ा थोड़ा इधर साइड दाग हो गए थे, झाइट टाइप, तो मैंने इसे यूज करना शुरू किया तो सारे यानी कि फेस हो गया है। तो ये मेरा खुद का रिजल्ट है, मैं आपको कहीं से भी ऐसा नहीं है, देखिए सब खाली हो चुके हैं। और ये हैंड वॉश है, यानी कि हैंड बॉडी लोशन है, आप इसको यूज करेंगे आपकी बॉडी मुलायम रहेगी और बढ़िया यानी कि बहुत ही अच्छी रहेगी। और आपको काफी सारे प्रोडक्ट मैंने दिखा दिए हैं, और बता दूं ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाया, आप देखिए इसको, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा देती हूँ, आप देखिए ये सारे प्रोडक्ट। तो आपने देखा होगा कि कम से कम मैं 3-4 हजार के प्रोडक्ट अपने घर के यूज करती हूँ और मुझे मार्केट से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसको यूज करने से मुझे मेरा बिजनेस भी बढ़ता है और मेरी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ये सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती है। अभी हम जब भी कहीं से बाहर से मार्केट से सामान लेके आते हैं तो हमारा पैसा सिर्फ 60% पैसा जो अभी सर ने बताया प्लान में कि वो कोई और कमा रहा है, यानी हम सामान तो लेके आते हैं लेकिन वो जो 60% पैसा हमारा जा रहा है वो कोई और कमा रहा है। तो क्यों ना हम बेस्टिस से ये प्रोडक्ट लेके खुद पैसा कमाना शुरू करें, यानी कि वो 60% पैसा हमारे घर पे आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा। ये देखिए ये राइस ब्रेन ऑयल है जो कि खाने का बहुत ही अच्छा ऑयल है, अगर आपको गैस या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया बेनिफिट है, और सबसे बड़ी बात की जैसे दिल की बीमारियां या कुछ भी ऐसा होता है तो इससे इसको खाने में यूज करने से ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ये इसमें कंपनी अपने को 9 तरह के फायदे देती है, वो 9 तरह के फायदे इन्हीं जो 50-60% अभी पैसा आपके पास दूसरों के पास जा रहा है वही पैसा निकाल के आपको वो आपको देती है, आपका पैसा आपको लौटाती कंपनी अपना नहीं, यदि कंपनी अपना देगी तो खत्म हो जाएगी, है ना। हाँ हाँ वही क्वालिटी के मेन चीज देखिए, हर कंपनी में किसी भी चीज से जुड़ने के पहले उसका पूरा अपने को जानकारी होना बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हम जिस फील्ड में हैं, हम भी रोज देखते हैं, मैं नायरा एनर्जी लिमिटेड में हूँ, ये फॉरेन रशिया की कंपनी, तो इसके लिए सर बिना जानकारी, इसीलिए मैंने बोला कि जो इसका फीडबैक है ना उसका मेन एक्चुअल में आगे चल के समथिंग कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, जैसे मैंने 4-6-20 लोगों को इसमें जोड़ा, उनको बताया कि ये फायदे हैं है कि नहीं, तो वो अपने को ग्रोथ बराबर पूरा जानकारी होना ना तब मैं दूसरे को बता सकता हूँ। बिल्कुल, तो ये सब चीज कैसा है कि आजकल कोई भी कंपनी मार्केट में आती है तो अपना ब्रांड लेके आती है, सही है गलत है, सब अपने ब्रांड बताते हैं। मनीष जी मेरी बात को एक मिनट सुनिए, आप बिल्कुल बहुत अच्छे आपने सवाल किए कि हमें कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में मैंने बता रहा हूँ 2004 से चल रही, और इसके पहले मैं दूसरी कंपनी में 14 साल काम किया था, और उसका बिजनेस प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे पर बिजनेस मॉडल में हमें कभी फायदा नहीं मिलता। सर डीलरशिप सीखते हैं, एक मिनट सर, इसका डीलरशिप किससे है सर?
ये खुद की अपने परचेसिंग करती और सब कुछ। अरे मैं तो हूँ, लेकिन जो कंपनी का ओनरशिप है वो वन हैंड है कि अदरवाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और तीन इसके डायरेक्टर हैं, गौतम बाली मैनेजिंग डायरेक्टर है, दीपक सूद है और कन्वर सिंह है, और तीनों बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही हम्बल है। हम मैं खुद जाके दिल्ली में इनसे मिला हूँ, इनके साथ हमने लंच किया है, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस लोग है और बहुत ही हम्बल है और बहुत ही समर्पित होके वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को केयर करते हैं, और इससे अच्छा केयर कोई और कंपनी हमने नहीं देखी है। और यहाँ पे सवाल ये है तिवारी जी कि आपका जो सवाल है कि हम 10-20 लोग लाते हैं, तो 10-20 लोग आते हैं तो उसमें ना कोई आपका नुकसान होता है ना उनका नुकसान होता है। देखिए अगर कोई इंसान को अच्छी चीजें बताएंगे तो एक के पीछे एक कड़ी जुड़ती है, क्योंकि अगर नींव मजबूत रहेगी तो कंगूरा अपने आप अच्छा बनेगा, अगर नींव कमजोर है तो घर अपने आप गिर जाएगा। बिल्कुल। तो अगर इंसान को किसी को लेके जाए तो पहले से उसको इतना मोटिवेट कर दो कि सामने वाले को कभी गलत ना लगे, है कि नहीं? आप मनीष जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर इलाहाबाद से हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, इन्होंने बताया आप इलाहाबाद से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी आप क्या काम करते हैं वैसे? मैं नागपुर में रहता हूँ। नागपुर में रहते हैं, वेरी गुड। तो आप क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं? हाँ हाँ, काय में। अच्छा, वेरी गुड। तो कितना समय हो गया आपको नौकरी करते हुए? मेरा सर हो गया अभी 11 ईयर्स हो गए, 7 साल हो गए। ठीक है, तो अभी अमेरिका से आपकी एज 30 साल होना चाहिए, 30 के आसपास। 31 रनिंग है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 30 के आसपास, कोई बात, 30-31 अगर बहुत। देखिए तिवारी जी, आप इस वास्तव में आप बहुत अच्छी सौभाग्यशाली है कि आज हमारे साथ इस मीटिंग में आए। मैं अभी गवर्नमेंट ऑफिसर था, यहाँ इंदौर से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम एनजी था, मैं जिला उद्योग केंद्र मैनेजर था, असिस्टेंट डायरेक्टर था, और बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेरी खुद की खेती है, और फिर भी मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी। तिवारी जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अभी कोरोना कोविड का टाइम चल रहा है ना, तो हम सब लोग अनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं, करते हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा कोरोना है, हमारे इंदौर में भी कोरोना का इन्फेक्शन ज्यादा है, दिल्ली में बहुत, नागपुर में इतना ज्यादा है कि हेलो। हाँ हाँ, समझ रहे हैं। मैं तो अपनी जनरल, मेरी बात थोड़ा सुनिए, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आज आपके पास सिक्योरिटी क्या है, इन केस यदि हम नहीं रहे तो हमारी फैमिली के लिए इनकम का सोर्स क्या रहेगा? जीरो। पर यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को 2-5 साल पैशनेटिक कर लेते हैं तो आपको ये इनकम 3 जनरेशन तक आती है, 3 पीढ़ी तक आती है। अभी हमारे पास आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आना चाहिए, मैं उसके लिए टेक्निकली मेरे को एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि मेरा स्पीकर भी चालू है, माइक भी चालू है, और मैंने आवाज आ रही, आवाज आ रही आप, हाँ, 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 मेरी आवाज सबको आ रही है, इसका मतलब आप अपने स्पीकर को ठीक करिए, है ना? या तो नेट कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यदि आपने 2-5 साल जॉब को करते हुए इस काम को कर लिया तो आपकी इनकम 1-5 लाख रुपए महीने की होगी, जो 3 जनरेशन तक आती है। अभी हमारे इसी बिजनेस में वेस्टेज में 2nd जनरेशन इसमें आ चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास, ये जैसे आपने बताया कि 5 इयर्स में 3 इयर्स में इंसान की इनकम 1 से ऊपर आती है, ओके, लेकिन सर इतना अमूमन इतना जल्दी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मिल रही है सर? हाँ, तो ये अभी आपको मैंने बहुत कम बताया, अभी आप इस बिजनेस में, इसके सिस्टम में आइए, रेगुलर मीटिंग में आइए, आपको पता पड़ जाएगा कि 3 महीने में भी लोग 1-1 लाख रुपए महीने की इनकम पे गए, और 22 महीने में 4 लाख रुपए महीने की इनकम पे गए, और 4 साल में 15 लाख रुपए महीने इनकम भी कमा रहा है, 4-5 साल में 50 लाख रुपए महीने की इनकम भी कमा रहा है, 13 साल में 1,16,00,000 रुपए महीने कमाने वाले भी इस बिजनेस में, इस कंपनी में है। ये आपको बिलीव इसलिए नहीं आएगा कि इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने की जरूरत है।
जब आप इस कॉन्सेप्ट को एक एक लेडीज 1500 रुपए महीने के लिए इस बिजनेस में आई थी, उसके दो बच्चे थे जो गांव में रहती थी, 10वीं पढ़ी लिखी थी, ईश्वर मुझे इस बिजनेस में 1500, आज उसकी इनकम है 43 लाख रुपीज पर मंथ, और उसका एक बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 4.5 लाख रुपए महीना उसकी पढ़ाई पे वो खर्च कर रही है, और 30 करोड़ का उसने बंगला लिया है, फ्लैट लिया है जूही में जहाँ पे एक्टर्स लोग रहते हैं। तो ये कमिटमेंट आपके अंदर है, आपको आप सोचते हो कि आपको इन सब चीजों की जरूरत है, तो ये सब कुछ एक दिन में अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसकी हम और एक मीटिंग आपके साथ इंडिविजुअल रख सकते हैं, यदि आप इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं